नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कमेटी के फास्ट ट्रैक रिवीजन प्रोग्राम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं खुशबू साहू। आज हम छत्तीसगढ़ी लोकगीत और लोक नाट्य से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ की जनजाति और उनके द्वारा किए जाने वाले लोक नाट्य को हमें सुमेलित करना है। तो एक तरफ जनजातियों के नाम दे दिए गए हैं और दूसरी तरफ इनके द्वारा किए जाने वाले लोक नाट्य के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लोक नाट्य कहते किसे हैं। तो लोक नाट्य संगीत, नृत्य, अभिनय और कथानक से मिलकर बनता है। मतलब कि ऐसा कोई प्रदर्शन, ऐसा कोई मंचन जिसमें बहुत सारे कलाकार होते हैं, उनके द्वारा किसी स्टोरी को पेश किया जाता है, उनके कलाकारों के द्वारा एक्टिंग की जाती है और समय समय पर गीत गाकर नृत्य भी किया जाता है। तो इस प्रकार से ये सभी के सभी लोक नाट्य में समाहित होते हैं। तो बस्तर में भतरा जनजाति निवास करती है और भतरा जनजाति के लोगों के द्वारा भतरा नाट किया जाता है। इस जनजाति के नाम पर ही इनके द्वारा किए जाने वाले लोक नाट्य का नाम रखा गया है। ये जो भतरा जनजाति है ना, ये प्राचीन समय में उड़ीसा से आई थी और ये जो लोक नाट्य है ये भी उड़ीसा से इस क्षेत्र में आया हुआ है, इसीलिए इस लोक नाट्य को उड़िया नाट भी कहा जाता है। भतरा जनजाति के लोग इस लोक नाट्य को किसी भी अवसर पर करते हैं, जनरली गर्मी के अवसर पर या फिर मड़ई मेले के अवसर पर। तो इस प्रकार से किसी उत्सव के अवसर पर एक रात्रि के लिए खुले स्थान पर छोटा सा मंच बनाकर इसका मंचन किया जाता है। इसमें केवल और केवल पुरुष पार्टिसिपेंट्स होते हैं। देखिए, इसका मंचन केवल एक रात्रि के लिए किया जाता है, मतलब इसका आयोजन केवल एक रात्रि के लिए किया जाता है। इसमें केवल और केवल पुरुष सदस्य होते हैं और पुरुष सदस्य ही महिला पात्र की भूमिका निभाते हैं। इन सदस्यों को नाटपुरिया कहा जाता है। इनके द्वारा एक स्टोरी पेश किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों के द्वारा इसका मंचन किया जाता है, ठीक है। तो कम से कम 20 से लेकर 40 सदस्य होते हैं और इनकी एक अपनी मंडली होती है और अलग अलग गांव में अलग अलग भतरा नाट की मंडली होती है जिनके द्वारा केवल एक ही स्टोरी को पेश किया जाता है। अब ये स्टोरी कैसी होती है? तो ये स्टोरी युद्ध प्रधान होती है। किसी भी पौराणिक आख्यानों के कथानकों पर आधारित होती है। रामायण, महाभारत, इस प्रकार से पौराणिक ग्रंथों पर आधारित ये कथानक होते हैं, जैसे कि रावण वध, कंस वध, किचक वध, हिरण्यकश्यप वध। तो इस प्रकार से किसी भी पात्र के वध को यहाँ पर पेश किया जाता है। इंदिरा गांधी की हत्या पर भी भतरा नाट का मंचन किया जा चुका है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसका जो कथानक होता है वो युद्ध प्रधान होता है, ठीक है। तो इतना आपने जाना कि इसका आयोजन केवल एक रात्रि के लिए किया जाता है, केवल पुरुष पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? नाटपुरिया कहा जाता है, ठीक है। ये युद्ध प्रधान होता है, ठीक। अब हम बात करेंगे कोरकू की। तो कोरकू जनजाति के लोग खम्ब समांग लोंग नाट्य करते हैं। और कुछ जाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? तो ये उत्तरी छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, ठीक है, उत्तर पूर्वी छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं और यहाँ खम्ब समांग प्रचलित है। कुरकू जनजाति के लोग मेघनाथ को अपना संरक्षक मानते हैं और इनकी पूजा में इनको प्रसन्न करने के लिए खम्ब समांग लोक नाट्य करते हैं। ये नवरात्रि से लेकर क्वार नवरात्रि से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक इस दिन जेठौनी का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक ये खम्ब स्वांग करते हैं। अब ये करते कैसे हैं? देखिए, नाम से ही समझिए, खम्ब स्वांग खम्भे के आसपास किया जाने वाला स्वांग या प्रहसन। तो ये क्या करते हैं कि मेघनाथ के प्रतीक के रूप में गांव के किसी खुले स्थान पर ये खम्भे को स्थापित करते हैं और उसके चारों ओर पूरी रात्रि नृत्य, संगीत, अभिनय करते हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर स्वांग करते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे मुरिया जनजाति की। तो मुरिया जनजाति के लोगों के द्वारा
माओ पाटा नृत्य किया जाता है। ये एक प्रकार का नृत्य नाटिका है, ठीक है। इसे लोक नृत्य के अंतर्गत भी लिया जाता है, लेकिन वास्तव में ये लोक नाट्य है। इसमें किया क्या जाता है, तो इसमें जंगली भैंस का शिकार किया जाता है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अगर हम स्त्री की बात करें तो महिलाओं की भूमिका केवल पुरुष को शिकार में भेजने और शिकार करके पुरुषों का वापस लौटने के बाद उत्सव मनाने तक होता है। मतलब कि पूरी कहानी में स्टार्टिंग में और एंड में महिलाओं की भूमिका होती है, और जो पूरा आधार होता है वो पुरुषों पर टिका होता है। मतलब कि ये पुरुष जंगल जाते हैं, वहां जंगली भैंसे का शिकार करते हैं, फिर वापस आते हैं। तो इस प्रकार से पूरी स्टोरी को इसमें पेश किया जाता है। यहाँ पर आप ये ध्यान में रखिएगा कि इस लोक नाट्य में मांदर, टिमकी और कोटोड़ का वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इतना आपको समझ में आया। देखिए, ये जितने भी लोक नाट्य है ना, कहीं इसे स्वांग कहा जा रहा है, कहीं इसे नाट कहा जा रहा है, तो क्यों ऐसा कहा जा रहा है, सभी तो एक लोक नाट्य ही है। तो इसलिए क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में इस लोक नाट्य को अपनी अपनी स्थानीय बोली के अनुसार अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसीलिए कहीं इसे स्वांग कहा जाता है तो कहीं नाचा कहा जाता है, कहीं गम्मत कहा जाता है तो कहीं नाट कहा जाता है, ठीक। तो ये मैच जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ए का थ्री, बी का वन और सी का टू। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो इतनी जानकारी आपको लोक नाट्य से संबंधित रखनी है। कभी कभी सवाल ऐसा भी पूछा जाता है कि खम्भ स्वांग कहाँ प्रचलित है, तो ये रायगढ़ के क्षेत्र में प्रचलित है, ठीक है, रायगढ़ के आसपास के क्षेत्र में प्रचलित है। माओ पाटा तो ये बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है, भतरानाट ये भी बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है, ठीक है। तो जहां जहां ये जनजातियां निवास करती थी वहां वहां ये लोक नाट्य भी प्रचलित है। तो ये है माओ पाटा का दृश्य। इस प्रकार से माओ पाटा का आयोजन किया जाता है। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। निम्न में से किस लोक नाट्य को बस्तर का आदिवासी थिएटर कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको तो ये ध्यान में लगाना है कि बस्तर के क्षेत्र में कौन सा लोक नाट्य किया जाता है, उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। तो ऑप्शन ए है माओ पाटा, बी है गौर, सी है भतरानाट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि चारों के चारों आयोजन तो बस्तर में ही किए जाते हैं। ये गौर नृत्य है ना, ये लोक नाट्य तो नहीं है। तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। अब माओ पाटा या फिर भतरानाट, तो भतरा जनजाति के लोगों के द्वारा किए जाने वाले भतरा नाट को बस्तर का आदिवासी थिएटर कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, तो ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इनके मनोरंजन का ये साधन है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की नाचा पार्टी और व्यक्तित्व को सुमेलित करना है, अर्थात इस पर्टिकुलर नाचा पार्टी का निर्माण या इसका गठन या फिर इसका संचालन किसने किया है। यहाँ पर बगल में इनका नाम दिया गया है और हमें इनसे संबंधित व्यक्तित्व को यहाँ पर मैच करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रवेली नाचा पार्टी की। तो रवेली ग्राम का नाम है। दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी ये राजनाथ गांव के समीप रवेली ग्राम में निवास करते थे और इन्होंने 1927-28, ठीक है, 28 मान के चलिए, इस समय उन्होंने रवेली ग्राम से एक नाचा पार्टी तैयार की थी जिसका नाम था रवेली नाचा पार्टी। ये छत्तीसगढ़ की पहली नाचा पार्टी है और दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी को छत्तीसगढ़ में लोक कला का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। मंदरा जी की स्मृति में लोक कला के क्षेत्र में सम्मान भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब हम बात करेंगे चंदैनी गोंदा की। तो चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी रामचंद्र देशमुख ने बनाया था। रामचंद्र देशमुख ने 1951 में देहाती कला मंच का निर्माण किया था और उसके बाद
1971 में चंदैनी गोंडा बनाया था। देखिए ये सब एक प्रकार की पार्टी है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोक नाट्य करने के लिए एक पार्टी होती है, एक मंडली होती है जहां पर सदस्य होते हैं और उनके द्वारा इसका मंचन किया जाता है, तो ये सभी एक प्रकार की पार्टी है, ठीक। सोना बिहान दाऊ महासिंह चंद्राकर के द्वारा बनाया गया था। दाऊ महासिंह चंद्राकर की ही बेटी है ममता चंद्राकर, जिन्हें छत्तीसगढ़ की स्वर कोकिला कहा जाता है, ठीक। बस्तर बैंड ये एक संगठन है जिसे अनूप रंजन पांडे जी ने बनाया था। ये बिलासपुर के निवासी हैं, ठीक है। रामचंद्र देशमुख ये दुर्ग के बघेरा ग्राम के निवासी हैं। दाऊ दुलार सिंह मंदराजी ये राजनाथ गांव से हैं और महा सिंह चंद्राकर भी दुर्ग से हैं, ठीक है। तो बस्तर बैंड क्या है इसे जानते हैं। ये जो बस्तर बैंड है ना, ये बस्तर की संस्कृति को बचाए रखने के लिए, उसे पहचान दिलाने के लिए अनूप रंजन पांडे का प्रयास है। यहाँ के लोक कलाकारों के द्वारा बस्तर की लोक संस्कृति, उनकी परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है और यहाँ पर स्पेशली बस्तर क्षेत्र में जनजातियों के द्वारा बजाए जाने वाले लोकवाद्य यंत्रों के द्वारा इसका मंचन किया जाता है। मतलब कि अनूप रंजन पांडे जी ने पिछले 10 वर्षों से उन्होंने बस्तर क्षेत्र में बजाए जाने वाले लोकवाद्य यंत्र को एकत्रित किया, ठीक है, और उसके बाद कलाकारों को संगठित किया और उसके बाद उन्होंने एक मंच तैयार किया, एक मंडली तैयार की, एक संस्था तैयार की, जिसके द्वारा बस्तर की संस्कृति को पहचान दिलाने का उन्होंने प्रयास किया। इसका नाम क्या है? बस्तर बैंड है, ठीक। तो मैच कर लेते हैं। A का 3, B का 4, C का 1 और D का 2। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नाट्य नाचा से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, नाचा पौराणिक कथा पर आधारित होता है। तो नहीं, नाचा पौराणिक कथा पर आधारित नहीं होता है। भातरा नाट को हमने देखा था कि वो पौराणिक कथा पर आधारित होता है। नाचा की कथानक की अगर हम बात करें तो इसमें जीवन के सत्य की छोटी छोटी घटनाएं होती हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये घटना किसी भी सामान्य व्यक्ति की हो सकती है। किसी भी सामान्य व्यक्ति के घर में कोई भी ऐसी घटना घट रही है, उसे नाचा के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करने का, तो ये जनजीवन को सही मार्ग दिखाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो नाचा पौराणिक कथा पर आधारित नहीं होता, बल्कि ये अलिखित कथा प्रसंगों पर आधारित होता है। इसपे जीवन के सत्य की छोटी छोटी घटनाएं होती है जिससे जनजीवन को सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया जाता है। ये जो नाचा है ये छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन और प्रमुख लोक नाट्य है, जो कि बस्तर के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ अंचल में प्रचलित है, लेकिन मुख्य रूप से इसका आयोजन छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र में दुर्ग, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, राजनांदगांव इन क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। इसका आयोजन किसी भी अवसर पर किया जा सकता है, लेकिन केवल और केवल एक रात्रि के लिए किया जाता है। इसमें केवल और केवल पुरुष पार्टिसिपेंट्स होते हैं। हाँ, कहीं कहीं देवार जाति की महिलाएं भी भाग लेती है। जो पुरुष महिला पात्र की भूमिका निभाते हैं उन्हें नाचिया कहा जाता है। और देखिए, इनकी भी एक मंडली होती है, ठीक है, जिसे नाचा पार्टी कहते हैं। हमने इससे पहले देखा था ना कि नाचा पार्टी और दूसरी तरफ उनसे संबंधित व्यक्तित्व, तो ये वही है, ठीक है। तो इनकी भी एक मंडली होती है जिसे नाचा पार्टी कहते हैं, ठीक है, और इस पार्टी को छैला पार्टी कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट है, इसका आयोजन एक से अधिक रात्रि के लिए किया जाता है। तो नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसका आयोजन केवल एक रात्रि के लिए किया जाता है। तो ये तो रॉन्ग है और ये भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट, प्रहसन और व्यंग नाचा का मुख्य स्वरूप है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसमें मुख्य रूप से प्रहसन किया जाता है और जो इसके डायलॉग्स होते हैं वो व्यंगात्मक होते हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इसकी तासीर व्यंगात्मक होती है, लेकिन प्रहसन इसका सहज स्वभाव होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी दो तो गलत है और हमें सत्य कथन को चुनना है।
तो केवल तीन ही सत्य कथन है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अगले सवाल की। बेड़ा निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गम्मत, बी रहस्य, सी भद्रानाथ और डी दही कांडो। तो हमने देखा है अभी तक भद्रानाथ के बारे में हमने चर्चा कर ली है, तो इससे तो संबंधित ये नहीं है, बाकी तीन से हो सकता है। तो देखिए, जो दही कांडो है ना, ये मैदानी क्षेत्र में रहने वाली जनजाति के लोगों के द्वारा इस लोक नाट्य को किया जाता है और कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, गम्मत, गम्मत आज वर्तमान समय में गम्मत और नाचा को एक ही मान लिया गया है, लेकिन इसमें आंशिक भिन्नता होती है। इसमें भी सामाजिक कुरीति, विषमता और व्यवस्थाओं पर व्यंग किया जाता है। इसमें भी दहेज प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत प्रथा पर व्यंग किया जाता है, लेकिन इसमें आख्यान किसके होते हैं? तो कृष्ण के आख्यान होते हैं। ठीक है, तो श्री कृष्ण की स्टोरी होती है, लेकिन वर्तमान समय में, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये थ्योरेटिकल वे में हम देख रहे हैं कि इसमें श्री कृष्ण के आख्यानों को पेश किया जाता है और उसके माध्यम से समाज की कुरीतियों पर व्यंग किया जाता है। लेकिन अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में नाचा और गम्मत को एक मान लिया गया है, तो यहाँ से भी ये संबंधित नहीं है। तो ये संबंधित किससे है? रहस्य से है। रहस्य का अर्थ होता है रास, और रास का अर्थ, रास का संबंध किससे है? तो श्री कृष्ण से संबंधित है। तो ये है क्या? तो ये श्री कृष्ण की रास लीला पर आधारित लोक नाट्य है, जो कि मुख्य रूप से बिलासपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित है। रहस्य संबंधित आपको कुछ मुख्य बातें ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो ये कि इसका आयोजन बहुत ही भव्य तरीके से किया जाता है। बहुत दिन, कुछ दिन पहले से ही इसके आयोजन की तिथि डिसाइड की जाती है। पूरा ग्राम ही इसका मंच होता है और इसीलिए ग्राम को ब्रज मंडल मान लिया जाता है। रहस्य के आयोजन करने वाले को यजमान कहा जाता है। गांव के बीच में एक मंच स्थापित किया जाता है और इस मंच को बेड़ा कहते हैं, और इस मंच के संचालन करने वाले को रहस्य पंडित कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य जानकारियां हैं रहस्य संबंधित, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो मंच होता है ना, मंच हम इमेज में देखते हैं, ये है रहस्य का मंच। इसके बीचों बीच एक प्रतीक स्तंभ स्थापित किया जाता है, ये कदम वृक्ष का प्रतीक स्तंभ होता है, इसे ही थुन कहा जाता है। तो बीचों बीच इसको स्थापित किया जाता है और इसके नीचे राधा और कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाती है। इसके चारों कॉर्नर में, इसके चारों कॉर्नर पे शिव जी, ब्रह्मा, सुखदेव और राजा परीक्षित की प्रतिमा स्थापित की जाती है। तो इस प्रकार से ये रहस्य का मंच दिखता है। इसके चारों ओर वादन और नृत्य करते हुए रहस्य को प्रारंभ किया जाता है। अब इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्री कृष्ण की स्टोरी होती है, तो ये कहां से कहां तक होती है स्टोरी? तो ये राजा भोज की वंशावली से स्टोरी प्रारंभ होती है और श्री कृष्ण के द्वारा उग्रसेन को राजगद्दी सौंपने तक ये चलती है। मतलब कि पूरे श्री कृष्ण की बचपन की कहानी को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार से इसका जो मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है वो है कंस का जन्म, देवकी विवाह, कृष्ण का जन्म, श्री कृष्ण का गोकुल पहुंचना, कालिया मर्दन लीला, पूतना वध, बकासुर वध, गोवर्धन लीला। तो इस प्रकार से एक इस लोक नाट्य का जो प्रमुख केंद्र होता है या फिर आकर्षक स्टोरी होती है वो ये सारी होती है। देखिए, यहाँ पर एक प्रतिमा बनाई गई है जिसमें श्री कृष्ण के द्वारा पूतना का वध किया जा रहा है। तो इस प्रकार से गांव के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रतिमा बनाई जाती है और फिर उसके बाद इस स्टोरी को पेश किया जाता है। ठीक है, तो क्या इसका आयोजन एक दिनों के लिए किया जाता है? तो नहीं, इसका आयोजन एक से अधिक दिनों के लिए किया जाता है, कहीं 7 दिन तक, कहीं 9 दिन तक, कहीं 21 दिन तक, तो वो इनकी स्टोरी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रतिमा बनाकर गांव के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्टोरी को पेश किया जाता है, इसीलिए पूरे गांव को ही ब्रजमंडल
मान लिया जाता है। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ी लोकगीत और अवसर को सुमेलित कीजिए, मतलब कि सूची 1 में छत्तीसगढ़ी लोकगीतों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में जिस भी अवसर पर इसे गाया जाता है उसके नाम दिए गए हैं, तो चलो मैच करते हैं। ए छेटा गीत, छेटा गीत को नए फसल के खलिहान से घर आने की खुशी में गाया जाता है, अर्थात पौष पूर्णिमा को छेरछेरा का पर्व मनाया जाता है और इस पर्व में छेड़ता गीत गाया जाता है। इस गीत को युवक एवं युवतियों के द्वारा हल्बी और भत्री दोनों बोली में गाया जाता है। ठीक है, तो ए का मैच 1 होगा। अब हम बात करते हैं रीलो गीत की। तो रीलो गीत को मुरिया और माड़िया जनजाति के लोगों के द्वारा विवाह के अवसर पर गाया जाता है, इसे हल्दी बोली में गाया जाता है और इस गीत को गाते समय मांदरी वाद्य यंत्र बजाया जाता है। देखिए, अगर आपको इसे याद रखना है ना कि इसे किस बोली में गाया जाता है और कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो एक ट्रिक है। देखिए, रीलो का पहला लेटर री है और मांदरी का लास्ट लेटर भी री है, ठीक। और जो ला है ना, इससे आप ये ला हल्दी याद रखिएगा, तो ठीक है, रीलो से ही संबंध करके आप इनके वाद्य यंत्र और बोली को याद रख सकते हैं। ठीक है, विवाह के अवसर पर गाया जाता है इस गीत को और ये घोटुल का, जो कि मुरिया जनजाति के लोगों का युवा गृह है, ये घोटुल का पसंदीदा गीत भी है। ठीक, घोटुल पाटा, नाम से ही समझ में आ रहा है कि मुरिया जनजाति के लोगों के द्वारा इसे गाया जाता होगा। हाँ, मुरिया जनजाति के लोगों के द्वारा गाया जाता है, लेकिन इसे मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। देखिए, जहाँ हमारे समाज में मृत्यु के अवसर पर शोक मनाया जाता है, लोग शांत हो जाते हैं, वहां पर मुरिया जनजाति में मृत्यु के अवसर पर घोटुल पाटा गीत गाया जाता है और इस गीत में परिवार के बुजुर्ग के द्वारा राजा जोलोंगसाई की कथा सुनाई जाती है। ये जो स्टोरी है ना, इस गीत के माध्यम से एक स्टोरी पेश की जाती है जो कि राजा जोलोंगसाई की स्टोरी होती है और ये बिल्कुल सवाल जवाब की शैली में पेश की जाती है। जो परिवार का बुजुर्ग होता है वो राजा जोलोंगसाई से प्रकृति के रहस्यों को पूछता है और इस प्रकार से इस पूरी स्टोरी को गीत के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, धनकुल, धनकुल गीत जगार के अवसर पर गाया जाता है। जगार का अर्थ होता है सांस्कृतिक जागरण। ये बस्तर क्षेत्र में हल्बी बोली में धनकुल गीत को गाया जाता है। ये वास्तव में धनकुल वाद्य यंत्र है। ठीक है, हम आगे समझेंगे इसके बारे में, तो अभी बस इतना ध्यान में रखिए कि धनकुल गीत को जगार के अवसर पर गाया जाता है। तो ये जगार क्या होता है, तो पूरी रात्रि जागरण किया जाता है। अब कितने प्रकार के जगार होते हैं, तो मुख्यतः यहाँ पर बस्तर अंचल में 4 प्रकार के जगार होते हैं, लक्ष्मी, बाली, आठे और तीजा, जिसमें से वर्तमान समय में केवल लक्ष्मी और बाली का ही प्रचलन है। क्या है ये अवसर, लक्ष्मी लक्ष्मी पूजा के समय, बाली धान की बाली आने के समय, आठे कृष्ण जन्माष्टमी के समय और तीजा तीजा के पर्व के समय। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से 4 जगार हैं और अभी वर्तमान समय में 2 ही जगार का प्रचलन है, तो ये जगार आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो इस प्रकार से मैच क्या हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम देखिए, यहाँ पर धनकुल वाद्य यंत्र दिया गया है और 2 महिलाएं इस वाद्य यंत्र को बजा रही हैं। ये जो धनकुल वाद्य यंत्र है ना, ये धनुष, सूपा, मटकी, इनसे मिलकर बना होता है। देखिए, नीचे मटकी है, ये सूपा उल्टा इसमें अटैच्ड है, ये है धनुष जिसका एक आधा हिस्सा अंदर की तरफ है और इसे ये जो लकड़ी का गुरुमा पकड़ी है ना, इसे कड़ी कहते हैं। इससे तार में जो धनुष का तार होता है, ठीक है, ये लकड़ी और ये तार, ये दोनों जब मिलते हैं तो फिर आवाज आती है। तो इस प्रकार से इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। वास्तव में धनकुल 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, धन और कुल, जिसमें धन का अर्थ होता है धनुष और कुल कूला शब्द से आया है, कूला का अर्थ होता है सूपा। ठीक है, इस प्रकार से इस धनकुल वाद्य यंत्र को बजाया जाता है और इसे
दो महिलाओं के द्वारा बजाया जाता है और इन्हें गुरु माएं कहा जाता है। ठीक है, ये दो गुरु माएं हैं, इनके द्वारा ही इसे बजाया जाता है। और इस समय धनकुल गीत गाते समय कथा सुनाई जाती है। कथा कैसी होती है? तो पौराणिक कथा होती है। यहाँ पर श्री कृष्ण की गाथा सुनाई जाती है, सागर मंथन की गाथा सुनाई जाती है। इसीलिए लाला जगदलपुरी ने इस धनकुल गीत को हिंदू देवी देवता पर आधारित हल्बी महाकाव्य कहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी रात्रि देवी देवताओं की स्टोरी को इनके माध्यम से पेश किया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का पूजा गीत है जिसमें सेवा भाव जागृत किया जाता है। और किस उद्देश्य से इसे गाया जाता है? तो अच्छी फसल की कामना के लिए, इनके कुल की समृद्धि के लिए, धन धान्य की वृद्धि के लिए। तो इस प्रकार से अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि अच्छी फसल की कामना के लिए इस गीत को गाया जाता है। यहाँ पर देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ठीक, अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ी लोकगीत से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। बिरम गीत देवार जाति के लोगों के द्वारा गाया जाता है। तो हाँ, बिरम गीत खाना बदोश देवार जाति के लोगों के द्वारा गाया जाता है और स्पेशली महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। इसमें ऐतिहासिक प्रसंगों का व्याख्यान किया जाता है, इसकी स्टोरी हिस्टोरिक होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट, सुआ गीत गाते समय मांदर और छांज वाद्य यंत्र बजाया जाता है। देखिए, ये जो सुआ गीत है ना, ये सुआ नृत्य करते समय गाया जाता है। दिवाली के अवसर पर सुआ नृत्य किया जाता है। दिवाली के कुछ दिन पहले से ही सुआ नृत्य करना प्रारंभ हो जाता है महिलाओं के द्वारा और दिवाली के दिन इसकी समाप्ति होती है। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है, तालियों के थाप के माध्यम से इस गीत को गाया जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसमें किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट, माँ अपने बच्चे को सुलाते समय सधौरी गीत गाती है। तो माँ अपने बच्चों को सुलाते समय सधौरी गीत नहीं गाती बल्कि लोरी गीत गाती है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। सधौरी गीत बच्चे के जन्म से संबंधित गीत है। सधौरी का अर्थ होता है इच्छा की पूर्ति। गर्भधारण की हुई महिला की इच्छा की पूर्ति ही सधौरी कहा जाता है। गर्भधारण के 7वें माह में स्वस्थ संतान की कामना के लिए सधौरी का संस्कार रखा जाता है और इस अवसर पर सधौरी के गीत को गाया जाता है। मतलब ये एक प्रकार का संस्कार होता है जहां पर सधौरी गीत गाया जाता है। मतलब कि शिशु के जन्म के अवसर पर इस गीत को गाया जाता है। शिशु के जन्म से संबंधित है सधौरी गीत। ठीक है, तो यहाँ पर केवल और केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और हमें सही कथन को चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, ददरिया गीत को किस अवसर पर गाया जाता है? ए विवाह के अवसर पर, बी जन्म के अवसर पर, सी मृत्यु के अवसर पर और डी किसी भी अवसर पर। तो ददरिया गीत ये श्रृंगार प्रधान गीत है, इसलिए इसे प्रणय गीत भी कहा जाता है। प्रणय गीत, इस गीत को किसी भी अवसर पर गाया जा सकता है। ठीक है, हाँ, मृत्यु के अवसर पर नहीं गाया जाता, जन्म के अवसर पर नहीं गाया जाता है, लेकिन ऐसी कोई विशेष स्थिति नहीं है जहां पर आप ददरिया गीत को गाएं। ठीक है, किसी भी अवसर पर इस गीत को गाया जाता है। फसल बोते समय गा सकते हैं या फिर ऐसे ही मनोरंजन करते समय आप गा सकते हैं, किसी भी उत्सव के समय आप इसे गा सकते हैं, किसी भी अवसर पर किसी भी स्थिति में इस गीत को युवक और युवती दोनों के द्वारा गाया जाता है। जैसे कि हमने कहा कि यह श्रृंगार प्रधान गीत होता है। ठीक है, सवाल जवाब की शैली में इस गीत को गाया जाता है और इसे छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा भी कहा जाता है। श्री शेख हुसैन ये ददरिया गीत से जुड़े प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। इन्होंने बहुत सारे ददरिया गीतों की रचना की है, जैसे कि बटकी मा बासी और चुटकी मा नून, मैं गावत हो ददरिया तय कांदी की सुन,
गजब दिन हो गए राजा तो संगमा नहीं देखो खलारी मेला। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि बहुत दिन हो गया मैं तुम्हारे साथ खलारी मेला देखने तो नहीं गई हूँ। तो इस प्रकार से किसी भी परिस्थिति को बुनकर इस गीत को बनाया जाता है, इस गीत की रचना की जाती है। एक और सॉन्ग है, मन के मन मोहनी मोर दिल के तें जोगनी, मतलब कि ये एक प्रकार का लव सॉन्ग है, आप ये कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसी भी अवसर पर इसे गाया जाता है। छत्तीसगढ़ी लोकगीत से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। चार स्टेटमेंट दिए गए हैं। भड़ौनी गीत मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है, तो नहीं, भड़ौनी गीत को मृत्यु के अवसर पर नहीं बल्कि विवाह के अवसर पर गाया जाता है। जब वर बारात लेकर वधू के गांव में पहुंचता है तो फिर वर को पहले परघाया जाता है, मतलब कि उसका स्वागत किया जाता है, और उसके बाद वधू की बहन के द्वारा वर को लाल भाजी खिलाया जाता है। ये वही अवसर है जब भड़ौनी गीत गाया जाता है। ये जो दृश्य होता है ये बिल्कुल हास परिहास से भरा होता है, ठीक है। तो भड़ौनी गीत को मृत्यु के अवसर पर नहीं विवाह के अवसर पर गाया जाता है। धनकुल गीत सरगुजा जिले में प्रचलित है। जैसे कि हमने देखा कि इस गीत को हल्बी बोली में गाया जाता है, और हल्बी बोली ये बस्तर की जनजातियों के द्वारा बोली जाती है, ठीक है। तो ये जो धनकुल गीत है ये बस्तर जिले में प्रचलित है, ना कि सरगुजा जिले में प्रचलित है। भोजली एक प्रणय गीत है, तो नहीं, भोजली गीत को कृषि के अवसर पर गाया जाता है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि भादो कृष्ण प्रतिपदा को भोजली पर्व मनाया जाता है, महिलाओं के द्वारा भोजली को विसर्जित किया जाता है और इस अवसर पर भोजली गीत को गाया जाता है। तो अच्छे फसल की कामना के लिए इस गीत को गाया जाता है, तो ये प्रणय गीत तो नहीं है। अगला स्टेटमेंट, पंडवानी गायन श्रीमद् भागवत ग्रंथ पर आधारित है। तो पंडवानी गायन श्रीमद् भागवत ग्रंथ पर आधारित नहीं है बल्कि ये महाभारत ग्रंथ पर आधारित है। महाभारत की कथा होती है, पांडवों की कथा होती है, जिसमें स्पेशली किसकी कथा होती है, इसमें नायक कौन होता है, तो भीम होता है, और नायिका द्रौपदी होती है, ठीक है। और इसमें सबल सिंह चौहान के दोहे और चौपाई होते हैं। इसे मुख्यतः देवार और प्रधान जाति के लोगों के द्वारा गाया जाता है, ठीक। तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। तो सारे स्टेटमेंट गलत है और हमें क्या करना है, सही कथन का चुनाव करना है, ठीक है। निम्न कथन पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है, ठीक। तो सही कथन इनमें से कोई सा भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, निम्न में से किस गीत में राजा जोलुंग साई की कथा सुनाई जाती है। तो जैसा कि हमने देखा कि राजा जोलुंग साई की कथा घोटुल पाटा गीत में सुनाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से CGPSC प्री में लोकगीत और लोक नाट्य से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सामान्य से सवाल होते हैं। आपको बस यही जानना है कि इन लोकगीतों को किस बोली में गाया जाता है, अगर कोई वाद्य यंत्र बजाया जाता है तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, किस अवसर पर गाया जाता है, अगर इससे संबंधित कोई प्रमुख व्यक्तित्व है तो उन्हें आपको ध्यान में रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका विषय क्या होता है, इसका विषय बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसे किस अवसर पर गाया जाता है और इसका विषय क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोक नृत्य और लोक गाथा से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।